वाम के साथ मैं हफजल यूबी। नाजरीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है और स्पेशल इसलिए है कि आज मैं बहरिया टाउन में आया हूँ और मेरे बहुत ही प्यारे और हमदर्द दोस्त एफबीआर के साबिक अफसर रह चुके हैं, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सीनियर नैब सदर हैं, एडवोकेट हैं। मेरी मुराद है मलिक जलील ऐवान साहब से। इनके बहरिया टाउन के ऑफिस में इसलिए आए हैं कि वो फिनांस एक्ट 2024 पास हो चुका है, नई नई टैक्स तरामीम आ रही हैं। फिनांस एक्ट 2024 का इन्होंने एक पोस्टमार्टम किया है, एक किताब लिखकर पूरे कानून के हवाले से कानून की बात की है, ला की बात की है, जो फिनांस एक्ट 2024 में जितने भी कानून बनाए गए हैं किस तरह बनाए गए हैं और किस तरह उनका फ़ायदा क्या होगा, उनका नुकसान क्या होगा, एफबीआर के जो अफसरान हैं उनके इख्तियारात कितने बढ़ाए गए हैं और इख्तियारात का जो फ़ायदा है एफबीआर के अफसरान को क्या मिलेगा, कहीं करप्शन तो नहीं बढ़ेगी, हमारी मुल्क इकॉनमी की सूरत हाल क्या रहेगी। फिनांस एक्ट 2024 पर अमल पैरा होने के लिए टैक्स कलेक्टर और टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स पेयर इनको क्या अमल करने की ज़रूरत है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मलिक जलील ऐवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर बंदे हैं क्योंकि एफबीआर के कानून से और एफबीआर के मजाज से और हमारे ज़मीनी हकायक से और जो हमारे टैक्स पेयर है उसकी जो माइंड सेट है, उसकी जो सोच है, उससे बहुत ही करीब है और बहुत ही समझबूझ रखते थे। मलिक जलील ऐवान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जो डेवलपर और बिल्डर पर जो टैक्स लगाया गया है उसके पैसों पर, हालांकि पैसे उनको लोग देते हैं, डेवलपर को, डेवलपर और बिल्डर को, लोगों का पैसा होता है, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है, कि आप समझते हैं डेवलपर और जो बिल्डर है उनको अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा? यूबी साहब, फाइनेंस एक्ट 2024 में कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन मुख्तलिफ सेक्टर से की जा सके। इसमें बिल्डर्स और डिवेलपर्स जो है वो मेन एक सेक्टर है जिस पर इससे पहले भी काफ़ी तजर्बात किए गए हैं। पर स्क्वायर फुट रेट पर बिल्डर से लिया गया, इस तरह डेवलपर से लिया गया, पर स्क्वायर यार्ड का तजर्बा किया गया। अब जो है वो सेक्शन 7F जो है वो इस फाइनेंस एक्ट 2024 में एक गवर्नमेंट चेंज लाई है। बेसिकली होता ये है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के अकाउंट में जितने भी पैसे, जिसको आप टोटल रिसीट्स कहते हैं, इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा वो क्लेम कर देते हैं इस बात में कि ये लोगों का पैसा है, और इनकम को बहुत कम जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट को बहुत कम लाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बैंक में 25 करोड़ है या 30 करोड़ है तो वो उसके मुताबिक जो है वो इनकम 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख उसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को बहुत कम आ रहा था। तो अब इस एक्ट के ज़रिए सेक्शन 7F में जो रिसीट्स बिल्डर्स और डिवेलपर्स की होगी उसका 10% जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट गिना जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बैंक में 10 करोड़ है और उसका 10% जो है वो 1 करोड़ वो टैक्स गिना जाएगा, और उसका 10% जो टैक्स है वो बिल्डर्स के लिए है, और इस तरह डेवलपर्स के लिए उसका जो है वो 15% रखा गया है। अगर बिल्डर्स और डेवलपर दोनों ये एक शख्स काम करता है तो उसका रेट 12% रखा गया है। इससे मेरे ख्याल में कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो, और जो टैक्स पेयर्स ने अपने, जो बिल्डर्स और डेवलपर्स अपने एक्सपेंसेस को कवर करते हैं कि ये लोगों का पैसा है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। तो नहीं, मलिक जलील ऐवान साहब, अब वो जो पैसा तो लोगों को होता है, जो डेवलपर को और बिल्डर को जो लोग देते हैं, काम करवाते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है, जो रियल इस्टेट सेक्टर है जिसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था, आप क्या समझते हैं अब लोग पहले से ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे? रेवेन्यू बढ़ने के बजाय अब रेवेन्यू ग्रोथ में कमी आएगी? आप क्या समझते हैं कि वाकई डेवलपर या दूसरे लोग काम कर पाएंगे अब? मेरे ख्याल में सिद्दीकी साहब, इसमें प्रिजम्पशन पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, अगर एक बिल्डर और डेवलपर के अकाउंट में उसकी डेफिनेशन किस तरह होगी, पैसा उसी का है, डेवलपर का या बिल्डर का, या लोगों का पैसा दिया होगा? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो एफबीआर के पास बैंक की इन्फॉर्मेशन मौजूद है ना सर। देखिए, आप बैंक की इन्फॉर्मेशन को उन्होंने यूटिलाइज करना है, जो बिल्डर्स और डेवलपर के अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं उसका 10% जो है वो उसने उसके मुताबिक टैक्स देना है। अब इसमें आप बाकी सेक्टर देखें तो वहाँ पर जो है वो टर्नओवर टैक्स होता है, 113 का टैक्स होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जिस तरह से रिसीट्स जितनी भी होती है उसका 1.25% उसको टैक्स देना होता है। इस तरह इंडिविजुअल एओपी की 10 करोड़ से ज़्यादा जब टर्नओवर होती है तो उसका भी जो है वो टर्नओवर टैक्स उनको देना पड़ता था। जबकि बिल्डर और डेवलपर्स में कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 30-30, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ बैंक में होता है, उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम था। तो अब ये कम से कम जो है वो जो उनके बैंक में है उनका 10% उनकी इनकम होगी, और उस इनकम पर जो है वो टैक्स देंगे, बाकी वो अपना एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो उनकी इनकम या टैक्स हो सकता है
लेकिन 10% से कम जो है वो अपने टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो आगे इसको कैलकुलेट नहीं कर सकेगा। अच्छा मलिक जलीलवान साहब, अब बंदा नमाज पढ़ता है, अगर वो जमात के साथ ना पढ़ सके तो बाद में नमाज पढ़ लेता है, अगर फ़र्ज की अदायगी ना हो सके तो बाद में भी नमाज कबूल, अल्लाह ताला फरमाता है नमाज तो हो जाएगी वक़्त से पहले पहले आप पढ़ लें। लेकिन FBR ने भी नया कंसेप्ट एक लाया है, पहले तो फाइलर नॉन फाइलर का था, अब लेट फाइलर का भी आ गया, अब यानी कि वो डबल उसे टैक्स वसूल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं ये टैक्स जो बेस है, टैक्स नेट बढ़ाने का जो दावा है उसके ये मुनाफी नहीं है? नेट जो टैक्स नेट में आना चाहता है आप उसको डबल टैक्स लगाएंगे तो वो क्यों टैक्स नेट में आएगा? अयूबी साहब, मेरे ख्याल में नॉन फाइलर और इससे पहले जो है वो फाइलर का कंसेप्ट था। जब बंदा फाइलर बनना था तो वो 1,000 रुपये जमा करवाता था, चाहे जितने मर्जी उसके एसेट्स होते थे, जितनी मर्जी उसकी इनकम होती थी, जब भी कोई प्रॉपर्टी की परचेज़ या सेल करता था तो उसको जो है वो फाइलर की ज़रूरत पेश आती थी। तो अपना 1,000 रुपये ये जमा करवा कर वो ये समझता था कि उसने अपना फ़र्ज जो है वो अदा कर दिया है। बेसिकली रिटर्न से मुराद प्रॉपर रिटर्न है कि आप अपने इनकम, अपने एक्सपेंडिचर, तमाम वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स को रिकनसाइल करें, इनकम में जो भी एसेट्स आप वेल्थ स्टेटमेंट में तमाम एसेट्स को डिक्लेयर करें, प्रॉपर अपने इनकम टैक्स के रिटर्न दें और टाइम पर रिटर्न दें। एक टैक्स पेयर अपने टाइम पर रिटर्न देता है जिसका 30 सितंबर डेट होती है और वो कई सालों से टाइम पर रिटर्न दे रहा है और अपना टैक्स प्रॉपर दे रहा है, जबकि उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स जो कि उससे ज़्यादा अमीर भी हो सकता है, ज़्यादा पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसका जो है वो उसको जब ज़रूरत पेश आती है तो वो फाइलर होता था। तो वो ये अब लॉ में ये चेंजिंग लाए हैं कि जो लेट फाइलर होगा उसका भी डबल रेट होगा, ताकि जो फाइलिंग वाले हैं उनको कम से कम एक इनक्रेजमेंट मिले कि जो टाइम पर रिटर्न दे रहे हैं, और फाइलर्स को और नॉन फाइलर जो लेट फाइलर हैं उनको कम से कम ये कि ये ड्यू डेट में अपने रिटर्न जमा कराएं या एक्सटेंडेड डेट में जमा करवाएं। अब देखते हैं कि एक रिटर्न 4-4 साल के बाद या 3-3 साल के बाद जमा हो रही होती है, पीछे टैक्सेबल इनकम होती है, सिस्टम पर 114 के नोटिस आए होते हैं, लेकिन वो आखिरी रिटर्न अपनी देते हैं कि एक दफ़ा फाइलर हो जाए। तो ये भी गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि उस उन्होंने वो सरचार्ज तो 1,000 रुपये फिलहाल रखा है, लेकिन उन्होंने ये कर दिया है कि अब रिटर्न जो है वो टाइम पर जमा हो। अच्छा मलिक जलील अहमान साहब, अब FBR के अफसरान को ये भी इख्तियार दे दिया गया है, वो जब चाहें फॉरेन एसेट्स पर टैक्स लगा सकते हैं, और दूसरा वेल्थ स्टेटमेंट में भी फॉरेन एसेट डिक्लेयर करने बहुत ही ज़रूरी हो गए। आप क्या समझते हैं इससे करप्शन बढ़ेगी या फिर जो फॉरेन एसेट रखने वाले हैं उनकी शामत आने वाली है? अयूबी साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो चेंजिंग आई है ये नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए नहीं है, ठीक है। ये वेल्थ स्टेटमेंट जो ऑलरेडी रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं, 116 की वेल्थ स्टेटमेंट पहले 116A में वो देते थे अपने बाहर के एसेट्स, अब उन्होंने एक ही स्टेटमेंट में फैसिलिटेट करने के लिए कि एक बंदे का पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है और उसके एसेट्स बाहर हैं और वो एक्सप्लेनेबल सोर्सेज से हैं, तो वो अपने उस रिटर्न में अपनी लाइबिलिटीज़, अपने एसेट्स, बाहर के भी जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करेगा, ताकि एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि कल कला अगर डिपार्टमेंट पकड़ता है तो वो उसी ही अनटैक्स जो अनकन्सील्ड इनकम को ही टैक्स करे, जो एसेट ऑलरेडी टैक्स पेयर अपने 116 की वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर देगा और प्रॉपर रिकनसाइल है उसका जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं, अगर वो बाहर अपने एसेट्स पर वो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स तो अदा कर रहा है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान में भी कोई अफसर उसके ऊपर जब चाहे टैक्स लगा सकता है, ये तो जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है? बाहर अगर एक बंदा अपने एसेट्स पर टैक्स दे रहा है तो वो उसका तो इनकम बाहर की है, वो तो वहाँ पर रिटर्न दे रहा है, तो वो उसको यहाँ पर नॉन रेजिडेंट बंदे को वेल्थ स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉ उनके लिए है जिनका पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, जो रेजिडेंट की रिटर्न देते हैं 116 की, लेकिन एसेट्स उनके बाहर भी पड़े हुए हैं, तो उनको ये मौका दिया गया है कि अब वो तमाम अपने फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़, जितने भी एसेट्स हैं, अपनी एक वेल्थ स्टेटमेंट में या शो करेंगे, ताकि प्रॉपर उनकी टैक्सेशन हो। मलिक जली साहब, ये तो फिर बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स ही खुल जाएगा। आप नहीं समझते बहुत से हमारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से सियासतदान जिनके असासे बाहर हैं या और वो यहाँ पाकिस्तान में आला ओहदों पर बैठ कर अयशियाँ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल हासिल कर रहे हैं, सो मरात हुकूमती ले रहे हैं, लेकिन वो अपने असासे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में ना गोशर में वो शो करते हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे उनके साथ क्या सलूक होगा फिर? अयूबी साहब, इसमें ऑलरेडी एक ऑटोमेटेड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन जोन है FBR का, जिसमें शेयरिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, और इस पर काम हो रहा है और इसकी असेसमेंट्स भी हो रही हैं और काम भी हो रहा है इस पर। तो इसी को उन्होंने हार्मोनाइज करने के लिए एक प्रॉपर वेल्थ स्टेटमेंट दे दी है कि जिन जिन लोगों के एसेट्स बाहर हैं वो डिक्लेयर कर दें, अगर वो ज़ाहिर है वो अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे और बाहर में अगर वो एसेट पकड़ा जाएगा तो वो बेशक टाइम बार भी हो गया, वो पुराना एसेट हो, कितना पुराना एसेट हो, कमिश्नर जिस साल में उसको वो नोटिस देगा वही साल उसका ईयर ऑफ डिस्कवरी समझा जाएगा और उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा और साल जो है वो उसको जुर्माना भी पड़ेगा। अच्छा मलिक जलील अहमान साहब,
अब हुकूमत ने इस फिनांस एक्ट में नॉन फाइलर गैर मुल्की सफ़र नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं जा सकता। आप नहीं समझते इंसान की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत मान चुकी है हम नाकाम हो चुके हैं, जिन लोगों को उस गोशवार नहीं ले सकते वो हुकूमत की नाकामी, उस बंदे का क्या गुनाह है जो जिसको बाहर जाने से रोका जा रहा है। अयूबी साहब, ये ओवरसीज़ वालों के लिए ला नहीं है, ये जिनके पास नाइको माइनर चिल्ड्रन स्टूडेंट जो हज के लिए जा रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। FBI के पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिसमें लोगों ने बाहर की फॉरेन ट्रैवलिंग की हुई है और उनका पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है और वो अभी टैक्स नेट में भी नहीं है। तो वो जो डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और उस बेस पर नोटिस भी जो नॉन फाइलर्स हैं उनको जा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक जो है ये उन नॉन फाइलर्स के लिए है जिनका पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है कि वो जब अपने रिटर्न देंगे, जब फाइलर्स हो जाएंगे तो वो बाहर का सफ़र जो है वो कर सकेंगे। मेरे साहब, असद राह से जब हम छोटे थे जब भी सुनते आए थे हुकूमत के नारे होते थे हमारे पास बहुत सा डाटा मौजूद है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, अब लोग टैक्स नेट से नहीं बच सकेंगे। लेकिन हमारा भी 45 साल को पहुँच गया, अभी तक किसी ऐसे लोगों को पकड़ा तो नहीं गया जिनके पास डाटा हुकूमत के पास मौजूद था या FBI के पास मौजूद था, उनको नोटिस करके अंदर किया गया, उनको टैक्स नेट में लाया गया हो। इसमें कुछ 176 के नोटिस अब FBI जो है वो अपने ऑफिसर्स को भेज रहा है और उसके आ रहे हैं। अब आप देखें कि FBI ने एक और बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है कि जब भी आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और अपना पोर्टल खोलते हैं तो वहाँ पर एक मालूमात का कालम है, वहाँ से आपको पता लग जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉपर्टी परचेज कौन सी की है, सेल कौन सी की है, बैंक अकाउंट का भी डाटा वो ऐसे ऐसे उसको कर रहे हैं, उसमें आपकी ट्रैवलिंग भी है, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी है। तो ऐसे ऐसे FBI के पास ये सारा डाटा मौजूद है, 10 साल तक का नोटिस जा सकता है। मेरे ख्याल में जो टैक्स पेयर को बार बार टाइम और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अपने रिटर्न्स देकर, प्रॉपर रिटर्न देकर, अपने खर्चों के मुताबिक अपनी तमाम तफसीलात को करेक्ट दें और जो प्रॉपर वो टैक्सेशन है वो दे दें। ज़ाहिर है वो जो हम नोटिस आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, फिर मैक्सिमम टैक्स लगता है जो कि 45% तक अब हो गया है। तो उससे पहले जो है वो पोलाइट किस्म के नोटिस आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को इकट्ठा डाटे को कर रही है और मेरे ख्याल में फ्यूचर में इसका इस्तेमाल होगा। मलिक जलील अवान साहब, सेक्शन 121 में अब अफसरान को ये भी इख्तियारात दे दिए गए हैं, वो सेक्टर की बेस पर किसी भी इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं। आप नहीं समझते ये 1979 का ऑर्डिनेंस दोबारा बहाल कर दिया गया? सेक्शन 121 बेसिकली पहले भी था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, पहले इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेस पर ही था या बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पर था, कोई एस्टिमेशन का या प्रिजम्पशन का कंसेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो अक्सर केसेस आगे जाकर टूट जाते थे। बेसिकली 121 सेक्शन जो है वो उन्होंने इसमें सेक्टोरियल एनालिसिस और रेशो का जिक्र किया है कि एक टैक्स पेयर अगर एक 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख टैक्स दे रहा है और उसी का सेम नेचर ऑफ बिजनेस वाले टैक्स पेयर जो है वो अपने रिटर्न नहीं दे रहा, ये बहुत ज़्यादा कम ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है या वो टैक्स दे नहीं रहा, तो वो ऑफिसर जो है वो उस एनालिसिस की बेस पर, उस सेक्टर की बेस पर उसकी इनकम को डिटरमिन कर सकेगा। इसमें भी ऑफिसर को कोई बेतहाशा इख्तियारात नहीं दिए गए, बल्कि उसको ये कहा गया है कि आपने जुडिशियसली रीजनेबल ग्राउंड और उस सेक्टर के मुताबिक जो रेशो है उस रेशो के मुताबिक जो है वो उसकी असेसमेंट करनी है, ताकि कम से कम उस बंदे को टैक्स नेट में लाया जा सके जो कि ऑलरेडी आज तक। तो मलिक साहब, जो इतनी भी असेसमेंट हुई है, करोड़ों की असेसमेंट होती हैं, वो ट्रिब्यूनल में जाके हाईकोर्ट में जाके सिफर हो जाती हैं, तो फिर ये भी ऐसे ही इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, मर्जी के फैसले किए जाएंगे। कम अज़ कम इससे योगी साहब एक तो ये तो होगा ना कि एक जो नॉन टैक्स पेयर है जो हैबिचुअल जो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है और रिटर्न नहीं दे रहा, जबकि दूसरा उसके मुकाबले में जो है वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रिटर्न भी दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, सेल टैक्स भी दे रहा है। अच्छा, ये तो उसकी जब असेसमेंट होगी तो उसको ये पता लग जाएगा और वो आगे कम अज़ कम अपने रिजल्ट जो है वो उसके मुताबिक देगा। ये उसको पकड़ेंगे जो टैक्स नेट में नहीं है, ये उसको पर ये एक्शन हो सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो अब जो ये कंसेप्ट जो सेक्टोरियल एनालिसिस का आया है ये फाइलर पर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये नॉन फाइलर पर ही होता है जिन्होंने अपनी रिटर्न जो है वो ना दी हो। अच्छा, मलिक जलील अवान साहब, अपीलों के सिस्टम में जिस तरह आप जानते हैं तब्दीलियाँ की गई हैं निज़ाम में, सिस्टम में तब्दील उसको किया गया है। अब मिसाल के तौर पर 4 या 5 लाख का आप लगा लें, एक टैक्स पेयर को टैक्स लगाए 4 लाख, वो अब हाई कोर्ट में जा, वो अपील के बाद वो ट्रिब्यूनल में जाता था जहां उसके फैसला हो जाता था, अब वो हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में जाने के लिए 50,000 की वो फीस जमा करवाएगा और जो 4 लाख का जो टैक्स लगाया उसका 30% हाई कोर्ट में जमा करवाएगा। अगर उसके खुदा न खास्ता उसके हक में भी फैसला हो जाता है टैक्स पेयर में, तो वहाँ FBI का अफसरान कहेगा जनाब हम अपील सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं,
तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वो तो लटक गया एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक केस चला गया। दूसरा सबसे बड़ी वजह ये है, फैक्ट एंड फाइंडिंग जिसका फैसला ट्रिब्यूनल करता था, अब उसको हाई कोर्ट करेगा। क्या हाई कोर्ट के पास ये ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा? आपके समझते हैं ये लिटिगेशन कम होने की बजाय, फैसले कम ज़्यादा होने की बजाय अब कम होते चले जाएंगे, लिटिगेशन बढ़ती जाएगी। अब बड़ा अच्छा सवाल है योगी साहब, पहले भी मैं इसका वैसे बता चुका हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कमिश्नर अपील है वो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, FBR का एम्प्लाई होता है और बाज़ अवकात ज़्यादती हो जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से भी और कमिश्नर अपील से भी। तो कई जेन्युइन केसेस होते हैं जिसमें जो है वो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी ट्रिब्यूनल जो है वो उसका मौका मिलना चाहिए सेकेंड अपील का। फर्स्ट अपील के बाद हाईकोर्ट में जाना और 50,000 रुपये जमा कराना हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है वहाँ पर, छोटे छोटे जो केसेस हैं 10 लाख के 15 लाख के 20 लाख के, तो मेरे ख्याल में इसमें 50,000 और फिर 30% उन्होंने जब स्टे के लिए अप्लाई करना है हाईकोर्ट में तो डिमांड का 30% भी जमा करवाना है, तो या तो इस कंडीशन को ख़त्म करें। तो डिपार्टमेंट ने तो वो 50,000 वाली अपनी कंडीशन ख़त्म करवा दी है, अब डिपार्टमेंट की अपील तो 50,000 के बगैर भी हाईकोर्ट में इंटरटेन हो जाती है जबकि टैक्स पेयर की नहीं होती। तो टैक्स पेयर को कम से कम जो है वो वन इंडिपेंडेंट फोरम से उसको मौका मिलना चाहिए। अच्छा मतलब जलील अवान साहब, कंपनियों को जो एग्जम्पशन दी गई थी अब वो इस फिनांस एक्ट में ख़त्म कर दी गई हैं, आप क्या समझते हैं कंपनियों को पर बर्डन टैक्सेशन जब होगी वो कंपनियां चलेंगी या बंद होंगी? जिस तरह पहले कराची से लेकर पख्तूनख्वा तक वो बोर्ड लगे हुए हैं, फैक्ट्री बराए फरोख्त, कंपनी बराए फरोख्त, ये फिर तो ये दोबारा हाल नहीं होने वाला? एग्जम्पशन ख़त्म नहीं की गई, 153 बेसिकली सप्लाई का टैक्स होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स का। इसका पहले 100% कमिश्नर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देता था, जिस तरह 5% रेट है कंपनीज का, तो अब जो है वो 80% उन्होंने कर दिया है, अब 1% जो है वो उनको जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी एग्जम्पशन बरकरार हैं इस टैक्स के अलावा जो है, ये मेरे ख्याल में रेवेन्यू मेजर्स है और ये जो 1% टैक्स कटेगा भी सही कंपनीज का, ये एडजस्टेबल है, इनका आगे जो है वो एडजस्ट हो सकता है। अच्छा सर, डिस्ट्रीब्यूटर पर 2% लगा दिया गया, रिटेलर पर 2.5% लगा दिया गया, 236G और 236H, आप क्या समझते हैं इन दोनों सेक्शन के होते हुए बिजनेसमैन को कारोबार कर सकेगा और टैक्स दे सकेगा, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट जो मार्जिन होता है बहुत कम होता है? बिल्कुल नहीं लगाया गया, 236G और 236H जो है वो 2% और 2.5% फाइलर पर नहीं लगाया गया बल्कि ये नॉन फाइलर पर लगाया गया। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहे हैं बेसिकली लॉ में चेंजिंग इस वजह से लाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, फाइलर बनाया जाए। अब मैन्युफैक्चरर एक अगर डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, डीलर को सेल करता है और वो जिसको सेल कर रहा है वो अगर सेल टैक्स और इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो वो उसका 0.1% टैक्स काटेगा, 2% नहीं काटेगा। हाँ, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन फाइलर है, तो फिर उसका 2% टैक्स काटेगा। इसी तरह अगर जो है वो आगे आप रिटेलर को सेल करते हैं 236H में, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी रिटेलर को सेल करता है, तो उसका जो है वो टैक्स जो है वो 0.5% है और ये कानून में पहले से रेट मौजूद थे। इस कानून में सिर्फ ये जो रेट बढ़ाया गया है ये नॉन फाइलर के लिए बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स नेट। नाज़रीन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद सेल टैक्स में उसके कवानीन में क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और सेल टैक्स के साथ क्या क्या हुआ है, सेल टैक्स का जो पोस्टमार्टम है वो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, पहले हम इनकम टैक्स पर बात कर रहे थे, अब सेल टैक्स पर बात करेंगे। फिनांस एक्ट 2024 में जो नॉन फाइलर का पोस्टमार्टम किया गया है, लेट फाइलर का, और सेल टैक्स की जो डेफिनेशन की गई है उस पर गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मलिक जलील अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं, सीनियर नैब सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के, 20-25 साल FBR के डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, वसी तजर्बा रखते हैं। मलिक जलील अवान साहब, पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इनकम टैक्स पे, अब सेल टैक्स की जो डेफिनेशन उनको इतने वसी कर दी है, लगता है ऐसे है कि अब FBR के अफसरान हर बंदे को पकड़ कर सेल टैक्स में अंदर डालेंगे। आपको नहीं लगता ये सेल टैक्स जो डेफिनेशन की गई है इसमें अब हर बंदा ही फंसेगा और हर बंदे के साथ ही ज्यादती होगी, या इसका इतलाक सही तरीके से होगा और वाकई लोग वो पकड़े जाएंगे जो टैक्स सेल टैक्स में फ्रॉड करते हैं? यूबी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सेल टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 में पहले जो थी वो नोइंगली, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज कोई भी काम होता था तो वो सेक्शन 237 का नोटिस। 237 बेसिकली ये होता है
किस पर ऑफिसर बाद में FIR भी कर सकता है, बंदे को पकड़ भी सकता है, और ये सेल टैक्स फ्रॉड का सेक्शन है। इसमें जो ज़्यादा फेक एंड फ्लाइंग इन्वाइसेस में टैक्स पेयर इन्वॉल्व थे या डमी यूनिट थे या जो भी इनको फैसिलिटेट करने वाले थे, उन पर काफ़ी FIR, इसमें अरबों का नुकसान हुआ, FBR का अरबों का इनपुट जो है वो डाल दिया गया और बाद में वो पता चला कि वो उन यूनिट का कोई वजूद ही नहीं था। तो इसमें वो अपील में जाकर उनको रिलीफ मिल जाता था। मिसाल के तौर पर एक हाईकोर्ट की बड़ी मशहूर जजमेंट है ताज इंटरनेशनल, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप टैक्स को जो है वो डिटरमेंट करें, पहले आप ये सिविल लॉ को इन्फोर्स करें, फिर उसके बाद जो है वो आप क्रिमिनल लाइबिलिटी की तरफ जाएं। तो उस बेस पर तमाम केसेस तकरीबन FBR के जो है वो टैक्स फ्रॉड के ख़त्म हो गए। तो मेरे ख्याल में ये फ्रांस एक्ट 2024 में जो इस डेफिनेशन को वसीह किया गया है, ये फेक एंड फ्लाइंग इन्वाइसिस के जो लोग टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए किया गया है। लेकिन इसमें मैं अर्ज करता, लेकिन इसमें तकरीबन हर चीज़ को वो ऐड कर दिया गया है कि सप्रेशन किसी किस्म की भी होगी वो टैक्स फ्रॉड में होगी, और बंदे को बर्डन ऑफ प्रूफ, और बंदे को साबित करना है कि वो टैक्स फ्रॉड नहीं है। आप समझते हैं जो मौजूदा जेन्युइन टैक्स पेयर है सेल टैक्स का, वो खौफ, उसमें खौफ रास नहीं फैलेगा, उसको ब्लैक मेलिंग उस पर नहीं की जाएगी? मेरे ख्याल में ये जो 237 का सेक्शन है, ये जेन्युइन टैक्स पेयर जो कि अपने रिटर्न्स जो है वो रेगुलर टाइम पर दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, और उनका वजूद मौजूद है, फैक्ट्री मौजूद है, रिटेलर का दुकान मौजूद है, वो अपने रिटर्न हर महीने दे रहा है, तो उसको 237 का नोटिस देना बहुत ज्यादती है। इंस्टेड अगर आप उसकी डिमांड क्रिएट कर दें, उसको सस्पेंड कर दें, तो वही काफ़ी है, उस पर वो पैसे जमा करवा देता है। तो ये जो टैक्स फ्रॉड का जो लॉ है, ये बेसिकली सबसे पहले उन पर जो फ्रॉडी है जिन्होंने पीछे, जिनका वजूद ही नहीं है, वो फैसिलिटेटर जिन्होंने ये कंपनियां बनाई हैं जिनका कोई वजूद, इवन इसमें अगर LRO डिपार्टमेंट के वो बंदे जिन्होंने इनको रजिस्टर्ड किया है उनको भी उसमें लाएँ, और जितने भी बंदे जिन्होंने, जिनका कोई वजूद नहीं है और इनपुट आगे वो दे देते हैं, चाहे उसमें कोई कंसल्टेंट हो, चाहे उसमें कोई अकाउंटेंट हो, जो भी डमी यूनिट हो, उन पर जो है वो सेक्शन 237 का इतलाक, और जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं जो रिटर्न दे रहे हैं उनको जो है वो कम से कम आप जो है वो उनकी आप असेसमेंट करें, उनकी आप लायबिलिटी को डिटरमेंट करें, और उनको आगे आप अपील का मौका दें। अगर आप शुरू में ही सेक्शन 237 की तरफ चले जाएंगे तो फिर लिटिगेशन पड़ेगी, और जो रेवेन्यू जो जेन्युइन टैक्स पेयर होंगे उनकी अपनी रिटर्न रुक जाएगी, और आपको इससे रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा बल्कि हरासमेंट बढ़ेगी। अच्छा मलिक जलील अहमद साहब, अब सेक्शन 26 के तहत 15 साल तक का जो डाटा है वो FBR का अफसर मांग सकता है, मालूमात ले सकता है, आप क्या समझते हैं ये 15 साल का डाटा सेव करना, महफूज करना आसान है? इससे आप समय ऐसी शराय से रेवेन्यू बेस या टैक्स नेट बढ़ेगा, रेवेन्यू ग्रोथ में इजाफा होगा या कमी आएगी? 15 साल का जो नोटिस है वो जो रेगुलर फाइलर हैं वो उनके लिए नहीं है, ये टैक्स फ्रॉड वाले लोगों के लिए है। एक बंदे ने अगर पहले टैक्स फ्रॉड सपोज 8 साल पहले किया है या 9 साल पहले किया है, तो वो 5 या 6 साल के बाद केस टाइम बार्ड हो जाता था, फिर उसके बाद जो है वो ऑफिसर नोटिस नहीं डाल सकता था। तो ये अमेंडमेंट जो लाई गई है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लाई गई है, और उन लोगों के लिए भी जो कि सेल टैक्स में जिनको रजिस्टर्ड होना चाहिए था आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए था, और वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, जबकि उसके साथ वाला बंदा जो है वो सेल टैक्स की रिटर्न जो है और वो अपने टैक्स जो है वो कई सालों से दे रहा है। तो ये मेरे ख्याल में उन केसेस पर इतलाक होगा जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने टैक्स फ्रॉड किया। और दूसरा इसमें जो सबसे वो उन्होंने अच्छी बात की है वो ये की है कि इसमें अगर आप एक बंदा अगर रिटर्न दे देता है और वो अपना टैक्स जमा करवा देता है, तो उसको जो शो कॉज नोटिस है 60 दिन के अंदर अंदर आर्डर भी अगर पास हो गया है तो वो उसका आर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जलील अहमद साहब, सेक्शन 11 जिसके तहत तमाम नोटिस किए जाते थे टैक्स पेयर को, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब आप क्या समझते हैं इसको ख़त्म करने का मकसद क्या था, इसकी जगह पर नया क्या लाया गया है? अजीब सा बड़ा अहम सवाल है। सेक्शन 11 सेल टैक्स में चार्जिंग सेक्शन, जिस पर तमाम टैक्स सेक्शन लगते थे, इसके सब सेक्शन में 11(1) था, 11(2) था, जिस तरह रिकवरी का 11(2) ज़्यादा इस्तेमाल होता था, 11(3) में टैक्स फ्रॉड करते थे, 11(1) में अगर कोई रिटर्न नहीं देता था तो वो उसकी जो है वो असेसमेंट करते थे। अब उसकी जगह पर जो है वो सेक्शन 11 को उन्होंने ओमिट कर दिया है। अब मेन सेक्शन जो है वो उन्होंने 11(b), 11(e), 11(f) इस तरह के सेक्शन जो है वो इंसर्ट किए हैं, उसमें जो है वो जहाँ पर जो है वो टैक्स रिकवरी का मैटर है वो अलहदा होगा, जहाँ पर विदहोल्डिंग का सेक्शन है वो अलहदा होगा, और जहाँ पर एक बंदे ने रिटर्न नहीं दी उसका सेक्शन जो है वो अलहदा होगा। इसमें उन्होंने एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का भी सेक्शन ऐड किया है कि एक बंदा अपनी जो है वो अगर बेस्ट अगर रिटर्न नहीं देता नोटिस के बाद भी,
तो वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बाद अगर वो बंदा अपने रिटर्न दे देता है और टैक्स जमा करवा देता है तो वो ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह 11E में जो पहले 11-2 में सेक्शन होता था कि एक बंदा उसका शॉर्ट पेमेंट है या उसने रिफंड जो है वो गलत क्लेम किया हुआ है या इनपुट गलत है, तो 11A में कर दिया गया है। 11F जो है वो एक अच्छा उन्होंने विदहोल्डिंग का एक सेक्शन बनाया है कि एक बंदा जो है वो 11G है मेरे ख्याल में, इसका विदहोल्डिंग का सेक्शन जो है एक अलहदा उन्होंने बनाया है कि जिसमें कोई भी विदहोल्डिंग एजेंट अगर जो है वो नाकाम हो जाता है विदहोल्डिंग की डिडक्शन पर, तो जो है तो वो पर्सनली वो टैक्स जो है वो उससे चार्ज होगा। अच्छा, मतलब जिले लवान साहब, जो सेल टैक्स के केसों के फैसलों का जो टाइम पीरियड है उसका, अब इनकम टैक्स के फैसलों के टाइम पीरियड से क्या मुवाजना किया गया है? अयूबी साहब, ये लिमिटेशन तो वही है जो लिमिटेशन अपील इफेक्ट की है। अपील इफेक्ट से मुराद ये होती है कि एक टैक्स पेयर को जब टैक्स लगता है तो वो उसके बाद अपील में जाता है, फिर उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब कमिश्नर अपील जब केस वापस करता है ऑफिसर के पास, कि या तो उसमें उसको कोई रिलीफ देता है या कहता है कि दोबारा इस केस को देखो, तो पहले उसकी लिमिटेशन जो है वो सेल टैक्स में मौजूद थी कि एक साल के अंदर वो ऑफिसर करता था। अब उन्होंने उसको हार्मोनाइज किया इनकम टैक्स के साथ। बेसिकली जो ऑफिसर असेसमेंट कर रहा होता है या ऑर्डर कर रहा होता है उसके पास इनकम टैक्स का भी चार्ज होता है, सेल टैक्स का भी चार्ज होता है, क्योंकि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में ये दोनों टैक्स जो है वो आते हैं। तो उन्होंने अब ये कहा कि जो लिमिटेशन इनकम टैक्स में है उसमें 2 साल हैं जो केसेस कमिश्नर अपील के पास हैं और जो हाई कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से या सुप्रीम कोर्ट से आते हैं उसमें 1 साल है, तो वो लिमिटेशन उसने उनमें जो है ना वो उन्होंने उसको हार्मोनाइज कर दिया। अच्छा, मलिक अहमद साहब ये भी बताइएगा, जो सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग है उसकी अपील ट्रिब्यूनल में बंदा नहीं कर सकेगा, ये टैक्स पेयर के साथ ज्यादती नहीं है? ये मेरे ख्याल में टैक्स पेयर के साथ, टैक्स पेयर को राइट मिलना चाहिए। बाज़ औक़ात एक रिटर्न ना देने पर ही उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और टैक्स पेयर को, बाज़ औक़ात जो है वो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 10,000 का इनपुट टैक्स जो है वो इनएडविजिबल है, या वो ये है जी कि फेक एंड फ्लाइंग इनवाइस है, वो 10,000 का, वो 10,000 की बेस पर जो है वो उसको जो है वो सस्पेंड कर देते हैं, बाद में वो चक्कर लगा रहा होता है बेचारा काफ़ी। लेकिन इसमें उन्होंने अब जो है वो उन्होंने अपील का एक राइट जो है वो अप्लीकेशन दे सकते हैं आप चीफ कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर कमिश्नर से ऊपर होता है, तो चीफ कमिश्नर को आप अप्लीकेशन दे सकते हैं, चीफ कमिश्नर सो मोटो भी उसको कर सकता है, और वो समझता है कि टैक्स पेयर के साथ ज्यादती हुई है तो वो सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर जो है ख़त्म कर सकता था। अच्छा, हाँ ये किया है एक अच्छा उन्होंने कि पहले जो है वो सस्पेंशन डायरेक्ट हो जाती थी, टैक्स पेयर को नहीं पता होता था, अब सस्पेंशन का ऑर्डर पास करेगा कमिश्नर और ब्लैक लिस्टिंग का बाकायदा ऑर्डर पास करेगा। तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है रेमेडी जब चीफ कमिश्नर नहीं करेगा, वो भी ज़ाहिर है डिपार्टमेंट का होता है चीफ कमिश्नर, तो प्रो रेवेन्यू होता है, तो उसके बाद टैक्स पेयर जो है वो रिट पिटीशन में जाएंगे, चूँकि सेक्शन 40 से वो ट्रिब्यूनल का उन्होंने वर्ल्ड ख़त्म कर दिया, वो ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता, तो इस पर मेरे ख्याल में लिटिगेशन होगी और इस पर टैक्स पेयर को जो है वो राइट आगे अपील का मिलना चाहिए। अच्छा, मलिक जलील अहमद साहब, ये सेक्शन 25 के तहत कमिश्नर को ऑडिट का इख्तियार दे दिया गया है, पहले जब ऑडिट में केस आता है टैक्स पेयर घबरा जाता है, उसको पता है अब पुल सरात मुस्तकीम से गुजरना है, अब इस इख्तियार के बाद आप क्या समझते हैं कि टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगा या मजीद परेशानियों को सामना करना पड़ेगा? अयूबी साहब, सेक्शन 25 में उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें पैरामीटर रिस्क और वो रीज़न बयान किए हैं इसकी बेस पर कमिश्नर जो है वो ऑडिट को एक टैक्स पेयर के केस को सेल टैक्स के ऑडिट के लिए सिलेक्ट करेगा। पहले भी सेक्शन 25 था, वो एक्सेस टू रिकॉर्ड था, उसमें सेक्शन 38 भी शामिल था कि वो 38 की पावर भी इन्वेस्टिगेशन की भी उसको दे सकते हैं, जबकि इसमें उन्होंने 38 निकाल दिया है 25 में, और कमिश्नर को ये इख्तियार दिया है कि वो एक केस को जब सेलेक्ट करेगा तो वो उसका जो है वो रिस्क पैरामीटर और डिटेल उसकी स्क्रूटनी करके करेगा। ये नहीं कि वो पहले जो फॉर्मल जो सिलेक्शन होती थी इनपुट या आउटपुट की बेस पर करेगा, उसके बाद ऑफिसर को देगा, एक पूरा प्रोसेस दिया है कि ऑफिसर किस तरह से नोटिस डालेगा, किस तरह से कमिश्नर पहले सेलेक्ट करेगा, फिर ऑफिसर को देगा, फिर वीडियो लिंक के ज़रिए ये ज्वाइन कर सकता है टैक्स पेयर, काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं टैक्स पेयर्स को। इसके अलावा अगर वो पैसे जमा करवा सकता है तो उसका शोकाज ख़त्म हो जाएगा, शोकाज के बाद करवाता है, पहले जमा करवाता है, ड्यूरिंग द ऑडिट करवाता है, तो पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 25 में, और इसको बाकायदा डिटेल डिस्कस किया गया है, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा मलिक साहब, काफ़ी चीज़ों को एग्जम्पशन से निकाल दिया गया है और काफ़ी चीज़ों को विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है, आप क्या समझते हो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो किस तरह 80% जमा करवाएंगे? 80% की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने जिप्सम सीमेंट और पेपर और इसको ऐड किया है प्लास्टिक वालों को, पहले भी वो विदहोल्डिंग एजेंट थे,
पहले वो 1/5 काटते थे, अब उन्होंने ये कहा बेसिकली ये एक गवर्नमेंट की कोशिश है कि विदौड़े की जॉइंट के जरिए जो वो परचेज अनरजिस्टर्ड से कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड से वो इनपुट तो क्लेम नहीं कर सकते लेकिन अनरजिस्टर्ड तो इन्जॉय कर रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि विदौड़े की जॉइंट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन की जाए, जब 80% तक वो उनकी टैक्स डिडक्शन करेंगे तो वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स नेट में आएंगे, वो टैक्स रजिस्टर्ड होंगे। इस तरह कुछ चीज़ें जो है वो 8th शेड्यूल में रिड्यूस रेट में डाल दी हैं, 6th शेड्यूल से निकाल कर, इस तरह 5th शेड्यूल जो कि जीरो रेट का होता है वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो ये सारे जो है वो रेवेन्यू मेजर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल टैक्स कलेक्शन की मेरे ख्याल में जो है ना वो गवर्नमेंट ने हर 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 तरीके से हर सेक्शन को तकरीबन चेंज किया गया है रेवेन्यू कलेक्शन को मद्देनजर रखकर। अच्छा मतलब जलील अवान साहब, हमने इनकम टैक्स पर भी बात की, अब सेल टैक्स पर भी बात की, आप क्या समझते हैं जितना भी ये फिनांस एक्ट 2024 आया है इसमें नए टैक्स लगाने की बजाय सबसे ज़्यादा हुकूमत ने विद होल्डिंग पर इंसार किया है और टैक्स रेट बढ़ाए हैं, आप क्या समझते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स बनाने से FBR की परफॉर्मेंस में कमी नहीं आएगी, आप क्या समझते हैं? अयूबी साहब, नॉन फेडरल को ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा उनके घर तंग किया गया है और उनके रेट्स को जो है बढ़ाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए प्रॉपर्टी की परचेज सेल पर भी, इस तरह सेल टैक्स पर भी देखें अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो टैक्स जमा कर रहा है विद होल्डिंग एजेंट, बेसिकली तो वो टैक्स तो उसका अनरजिस्टर्ड का वो खुद तो नहीं दे रहा, बेसिकली वो विद होल्डिंग एजेंट है कि जिससे वो परचेज कर रहा है उसका टैक्स काट रहा है, तो उसमें उसने वो क्लेम करना है जो अनरजिस्टर्ड जाए, जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो विद होल्डिंग टैक्स नहीं देगा। तो ये तमाम रेवेन्यू मेजर्स हैं, किसी जगह पर गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा एक्सेसिव टैक्स रेट बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है कि इस बजट में टैक्स ही टैक्स हैं और कई चीज़ों पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। खासकर मैं ये समझता हूँ कि जो 236 सी और के और जो वो रेट उनके बढ़ाए हैं नॉन फाइलर्स के, वो 5 मरले तक कम अज़ कम जो है जो छोटा तबका है उसको फैसिलिटेट करें, जो कि सेक्शन 7E में ऑलरेडी गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, बड़ों को जो बड़ों पर टैक्स लगता है वो तो लिटिगेशन में जाकर जो बड़े टैक्स पेयर हैं वो जाकर ख़त्म हो जाता है, 1% तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकी उन लोगों से जिनके 50-50 करोड़ के एसेट हैं, जिनके 1-1 अरब के एसेट्स हैं, कोर्ट्स में जाकर आगे जाकर लिंगर अर्न कर देते हैं, जब रेवेन्यू वहाँ पर स्टकअप हो जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि वे दौड़ने के रेट नीचे बढ़ते हैं और जो छोटा तबका होता है जिन्होंने 5 मरले का घर, 10 मरले का घर, 3 मरले का घर, तो सब पर जो है वो 236 सी और के और इतने टैक्सेज हैं, मेरे ख्याल में जो है वो छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं या छोटा जो तबका है उसको कुछ ना कुछ जो है वो इसमें नरमी देना। अच्छा मतलब साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा जो ये फिनांस एक्ट 2024 है इसके बाद जितने भी इकदाम उठाए गए आप समझते हैं ग्रोथ होगी, टैक्स बेस और टैक्स नेट बढ़ेगा या मजीद कमी वाकई होगी? दूसरा, जो अब टैक्स नेट में नहीं है अब उनको क्या सोचना चाहिए, क्या यह सोचना चाहिए अगर वो टैक्स नेट में ना आए तो उनका पोस्टमार्टम हो सकता है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन जो है वो ऑटोमेशन इसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, अब जो है वो बाहर के लोग भी हायर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिस का भी पर भी काम हो रहा है और गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन पर FBR जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है, डेटा मौजूद है, डेटे को इस्तेमाल करना चाहिए, सॉफ्ट नोटिसेस जो है वो जिस तरह पहले 176 के कुछ नोटिसेस जो इन्फॉर्मेशन FBR के पास मौजूद है उस पर देना चाहिए और बैंकों की इन्फॉर्मेशन और जिन टैक्स पेयर के एसेट्स हैं, जिन टैक्स पेयर की बैंक स्टेटमेंट है, जिन टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन है वो FBR को इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस जो है वो उनको जाना चाहिए, जो कि लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम है, जिससे रेवेन्यू आना है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर पकड़ें और रेवेन्यू एट द एंड आपका जो है वो ये नहीं है कि आपने फाइलर जो है वो 10 लाख या 15 लाख ज़्यादा बना दिए लेकिन आपको रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ना आई। तो मेरे ख्याल में जो बिग टैक्स अवेयर्स हैं, जो बड़े टैक्स पेयर हैं जिनका डेटा मौजूद है और जिनका जो एनालिसिस भी किया जा सकता है, जो कि उनका डिक्लेरेशन FBR के पास मौजूद है और जिनका डिक्लेरेशन FBR के पास नहीं है और उनकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको कन्फ्रंट करवानी चाहिए उनके एड्रेसेस पर जो भी FBR के पास है, तो मेरे ख्याल में इससे ही रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया मलिक जलील अवान साहब, नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ही सीनियर बंदे थे, जो उन्होंने किताब लिखी है वो भी बहुत ही कमाल है, FBR के अफसरान के लिए भी, टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए भी, टैक्स बार मेम्बरान के लिए भी, क्योंकि फिनांस एक्ट अभी 1 जुलाई से मंजूर हुआ है, उसके बाद इन्होंने जो उनका पोस्टमार्टम किया है, जो कुछ बताया है वो आपने आज मुलाजा फरमाया होगा। नाज़रीन, टैक्स नेट से बचना अब नामुहाल है, नामुहाल ही नहीं नामुमकिन है, और नॉन फाइलर और लेट फाइलर तो वो समझ लें उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।